जी तो गाइस, अगर आप लोग अलमराई कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने गौर से देखनी है। आप लोगों को इस वीडियो में नंबर्स मिलेंगे अलमराई कंपनी के, जिनसे आप फ़ोन पे बात करके जो जो वैकेंसी अवेलेबल होती हैं आप लोग उनसे इजीली पूछ सकते हैं। जो लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि हमें अलमराई कंपनी का नंबर दे दें हम ताकि उनसे पूछ सकें, तो देखिए अलमराई कंपनी के नंबर में आपको कौन सी जगह कर दूँ आप बताएं। अलमराई कंपनी सऊदी अरेबिया में भी है, दुबई में भी है, तकरीबन सारी गल्फ कंट्री में है, बहरीन, कतर, ओमान, तो वैकेंसी इस टाइम अवेलेबल रहती हैं हर जगह में। अब आप लोगों को नंबर कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर चाहिए वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर ईमेल एड्रेस चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मतलब है कि आप लोगों को अप्लाई करने में आसानी हो, क्योंकि जब आप लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, आप लोग अपनी CV सेंड करते हैं कंपनी को, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से CV कुछ लोगों की सेंड नहीं होती। इसलिए लोग जब कमेंट्स करते हैं कि सर हमें नंबर चाहिए, तो मैं आप लोगों को जो है नंबर प्रोवाइड करूंगा, उससे आप लोगों की आसानी होगी। आप लोग कंपनी को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल्स हैं और किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो ड्राइवर्स की वैकेंसीज होती हैं अलमराई के अंदर, उस पर आज बात करेंगे और जो वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है और इन जॉब्स के लिए मिनिमम आप लोगों के पास कितना जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अलमराई कंपनी में जो लाइसेंस है वो कंपनी बना के देती है जब अलमराई कंपनी में आप लोग काम करते हैं, तो एज अ किसी और ट्रेड पे जब आप लोग काम कर रहे हैं, एज अ हेल्पर काम कर रहे हैं, या लोडिंग अनलोडिंग या स्टोर कीपर, कोई भी आपका रेजिग्नेशन है आप लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स आया कि क्या कंपनी जो है अलमराई जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना के देती है। देखिए इसमें एक चीज़ है, आप लोग काम कर रहे हैं कंपनी के पास, कंपनी आपको सैलरी पे कर रही है, आप उस सैलरी से एक मनी थोड़ी सो सेव करें 4-5 महीने 6 महीने, उसके बाद आप लोग जाके अपना लाइसेंस बनवाएं और अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग कंपनी के सहारे बैठ रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, ये नहीं कि आप कंपनी आपको नहीं बना के देगी, कंपनी का जब दिल चाहे जो चाहे कंपनी कर सकती है, लेकिन आप लोग खुद एक स्टेप लें, जाएं जाके अपना लाइसेंस बनवाएं और अपनी जॉब चेंज करें। ड्राइवर्स की सैलरी से की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी आती है, और ये ड्राइवर जो है जस्ट ड्राइवर्स ही नहीं होते, ये साथ में सेलमैन का भी काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वैकेंसीज आती हैं ड्राइवर कम सेलमैन, यानी ड्राइवर और सेलमैन दोनों एक ही बंदा होगा जो ड्राइवर्स होगा, इसलिए इसकी सैलरीज की काफ़ी अच्छी जो है 4,000 से ऊपर निकलती है, तो काफ़ी अच्छी सैलरीज भी होती हैं ड्राइवर्स की। तो आप लोग इस तरह से ड्राइवर की जॉब हासिल कर सकते हैं अलमराई कंपनी में। इसके अलावा आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो लोग हेल्पर्स का पूछ रहे थे कि सर हेल्पर में हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो बताएँ हमारा कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे हेल्पर्स का वीज़ा लेने के लिए अलमराई कंपनी से। देखिए डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग हेल्पर्स के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आई थिंक आपका जो नेशनल आईडी है, अगर आप लोग इंडिया से हैं तो इंडिया की जो आईडी होती है, अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की जो आईडी होती है, तो वही चीज़ें काफ़ी होती हैं, आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी जिस बेस पे आपका वीज़ा लगता है। उसके अलावा जो स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग अगर अंडर मैट्रिक्स हैं तो वो भी कोई ना कोई आपके पास सनद होगी स्कूल की, जो अगर आप लोग स्किल्ड हैं तो आप लोग के पास कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी बेस पे आप लोगों को, ये 3-4 चीज़ें जो अहम होती हैं मैंने आपको बता दी, इस बेस पे वीज़ा आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा लोग सेलमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि हम सेलमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए। देखिए भाई, सेल्समैन्स के लिए फ्रेशर्स की वैकेंसी भी होती है और एक्सपीरियंस की भी वैकेंसीज होती है। सबसे पहले जब आप लोग सेलमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप लोग अपनी CV सेंड करते हैं, तो उसमें आप लोगों की स्किल देखे जाते हैं कि आपके सेल्समैन में कितने स्किल्ड हैं और आप लोग का एक्सपीरियंस जो है वो कितना है। अगर तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग एज अ फ्रेशर्स हैं तो कंपनी बाय चांस आप लोगों को हायर करेगी, आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी, क्योंकि फ्रेशर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रॉपर उसे गाइड जो है करना पड़ता है कि ये काम इस तरह से करना है और ये काम इस तरह से करना है। तो इस तरह से जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं सेल्समैन्स के लिए। अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब वैकेंसीज आती है
तो कंपनी का जो फोकस होता है वो यही इसी चीज़ के ऊपर होता है कि हमें कोई जो है एक्सपर्ट बंदे मिलें ताकि कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। अब ड्राइवर और सेल्समैन, ड्राइवर कम सेल्समैन ये एक अलग है और सेल्समैन अलग है जो मार्केटिंग करता है कंपनी की। इसके अलावा सुपरवाइजर्स आप लोगों ने देखे होंगे, अलमराई कंपनी के मैनेजर्स वगैरह देखे होंगे, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर जॉब टाइटल्स अगर आप लोग सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आप लोगों के पास लाजमी स्किल होने चाहिए, आप लोग के पास क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आप लोग जाके ईजीली अलमराई कंपनी में एज अ सुपरवाइज़र या एज अ मैनेजर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। बताने का मकसद गाइज ये आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा एक और मेन चीज़ है जो लोडिंग अनलोडिंग का, जो लोग पूछते रहते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग का काम कैसा है सर बता दें, हम अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी सैलरीज के बारे में बता दें। देखिए, लोडिंग अनलोडिंग दो किस्म के होते हैं। एक तो स्टोर्स के अंदर होते हैं, जब कोई भी सऊदी से गाड़ी किसी भी कंट्री जाती है, फॉर एग्जांपल के तौर पर सऊदी से सामान दुबई जा रहा है, तो जब दुबई में सामान गाड़ी पहुँचती है तो वहाँ पर जो लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ होते हैं एक वो होते हैं, ठीक है, एक लोडिंग अनलोडिंग का स्टाफ वो होता है जिसे हेल्पर्स का नाम दिया जाता है, जो गाड़ी दुबई के अंदर घूमती है मुख्तलिफ सुपर मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर अपना जो सामान सप्लाई करती है, एक हेल्पर उसको कहते हैं, वो भी लोडिंग अनलोडिंग में शुमार होता है। तो उसकी भी सैलरीज की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और इनका जो गाड़ी के साथ जो सेल जो ड्राइवर और जो हेल्पर होते हैं ना, जो सुपर मार्केट्स में या शॉप्स के अंदर जाके सामान सप्लाई करते हैं, तो उनको कमीशन बेस पे भी उनको पॉइंट्स बोनस मिलता है। जितनी ज़्यादा वो कंपनी की सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा उनको कमीशन आएगा, यानी कहने का मतलब है कि हेल्पर्स की सैलरी उतनी ज़्यादा आएगी जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, और उसके साथ ड्राइवर्स की भी उतनी ही ज़्यादा जो है सैलरी आएगी जितनी ज़्यादा सेल्स वो लोग करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है, बेसिक सैलरी भी इनकी होती है, काफ़ी अच्छी बेसिक सैलरीज भी होती है, लेकिन ज़्यादातर काम जो है सेल इस तरह से होता है कि जितनी आप ज़्यादा अच्छी कंपनी की सेल करेंगे उतना अच्छा आपको बोनस बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए नंबर्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, सिंपल आप लोगों ने देखिए दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर, ओमान, किसी जगह में भी आप लोगों ने अप्लाई करना है, आपको नंबर्स चाहिए, सिंपल गूगल पे जाएं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने रियाज के लिए अप्लाई करना है तो गूगल में जाके आप लोगों ने क्या लिखना है, सऊदी अरेबिया अलमराई कंपनी, सऊदी अरेबिया रियाज कॉन्टैक्ट नंबर, क्या लिखना है, अलमराई कंपनी सऊदी अरेबिया रियाज कॉन्टैक्ट नंबर, अलमराई कंपनी सऊदी अरेबिया जद्दा कॉन्टैक्ट नंबर, अलमराई सऊदी अरेबिया जो किसी और अगर आप लोग शेयर हैं तो उसका नाम लिखें, अगर आप लोग बहरीन से करना चाहते हैं तो अलमराई सऊदी अरेबिया बहरीन कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये इस तरह से जब आप लोग गूगल पे लिखेंगे तो आप लोगों के सामने काफ़ी लिस्टें आएंगी, तो वहाँ से आप लोग जो जिस एरिया से आप लोग बिलोंग हैं, जहाँ जिस एरिया में आप लोग मौजूद हैं, तो उस एरिया के कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो भी वहाँ से मिलेंगे, ईमेल एड्रेसेस चाहिए, ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे, हर तरह की डिटेल्स आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा तमाम तर जो वैकेंसीज होती हैं आप लोगों ने के पास, आप अगर ईमेल पे आप लोग अपनी सीवी सेंड करना चाहते हैं तो लाजम सेंड करें, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आती हैं तो उनके लिए आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।